होली से पहले कर्म फलदाता होने जा रहे हैं उदय। 18 मार्च से कुंभ में शनि हो जाएंगे उदय। उदित शनि की पावरफुल शक्तियां। शनि के उदय होने से किनकी चमकेगी किस्मत, किनको होगी शनि के शुभ फलों की प्राप्ति, शनि कृपा से किस पर होगी धन वर्षा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की इस दुनिया में देखिए आपकी बार कर्म फलदाता शनि महाराज उदय हो रहे हैं। जी हाँ, शनि महाराज का उदय होना समझ लीजिए कि आपके भाग्य का उदय हो रहा है। और इस आपके 18 मार्च से जैसे ही शनिदेव उदय होंगे और अपनी ही राशि में यानी कि कुंभ में किस प्रकार से किन पांच चुनिंदा राशियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो जाएगी, उनके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ शनिदेव बिखेर देंगे। जिनके काम नहीं बन रहे उनके काम अपने आप बनने लग जाएंगे। जो अब तक कंगाली बदहाली में जी रहे थे उनको आर्थिक धन लाभ होने लगेगा। जिनके रिश्तों में तनाव था शनि की कृपा से उनके रिश्तों में भी खूबसूरती आ जाएगी। तो अब की बार सूर्य पुत्र शनि का उदय होना किन पांच चुनिंदा राशियों के भाग्य को चमकाने आ रहा है, आइए जानते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी। देखिए, अगर बात करें कविता जी, सूर्य और शनि की युति हुई थी और सूर्य के 15 डिग्री के नजदीक तक कोई भी ग्रह आता है तो अस्त माना जाता है और शनि अभी तक अस्त चल रहे थे। तो 18 मार्च को होली से पहले जैसे ही शनि देव उदय होंगे यानी उदित अवस्था में होंगे तो वो पूर्ण फल देने में सक्षम है। यानी शनि अभी तक अच्छा नहीं कर रहे थे, कुछ राशियों की परेशानी बढ़ी हुई थी, जिन राशि के स्वामी हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। तो अब शनि उदय होकर उन राशियों को बड़ा जबरदस्त लाभ देंगे जिनकी पिछले कुछ दिनों से काफी परेशानियां चल रही थी। तो उनकी परेशानियों में कमी आएगी, उनका काम कारोबार अच्छा निकलेगा, धन दौलत की वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। शनि न्याय के कारक हैं तो अब न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा जी। जो आपराधिक तत्व के लोग थे उनको अब यहाँ सजा मिल जाएगी, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा था उनको जस्टिस मिलेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और शनि जमीन के कारक हैं तो प्रॉपर्टी के दाम भी आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कुछ मिला के ये पांच राशियों जिनके आज हम जिक्र कर रहे हैं उनके लिए समय जो है बहुत ही आनंदमय और धन दौलत का कारक बन के चलेगा। यानी कि देखा जाए तो शनि के उदय होने का आप इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि शनि की पावर में अब बढ़ोतरी होगी, शनि अब अपनी फुल पावर में होंगे। जब शनि अपनी पावर में आ जाते हैं तो देखिए इनके शुभ फलों में भी दोगुनी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो शुभ फलों की प्राप्ति का लाभ किन चुनिंदा पाँच राशियों को अब की बार मिलेगा इस पूरे वर्ष 2024 में शनि के उदय होने के चलते, आइए जानते हैं मयंक जी से। मयंक जी, पहली चुनिंदा राशि भाग्यशाली राशि। देखिए, पहली राशि कविता जी वृषभ राशि। दशम भाव में शनि अस्त हो गए थे तो काम कारोबार को उतार चढ़ाव दे रहे थे, यानी कि आपको बिजनेस में लाभ नहीं मिल पा रहा था जी, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा था, पैसा रुक रहा था, लेकिन रुक रुक के पैसा आ रहा था। और गुरु बारहवें भाव में भी है और गुरु पे दृष्टि शनि की, तो खर्च वृद्धि ज्यादा थी। अब क्या होगा, खर्च कम होने लगेगा, धन लाभ बढ़ जाएगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग बनते हैं यहाँ पर वृषभ राशि वालों के। कुल मिलाकर आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी समय मिल सकता है, क्योंकि शनि दशम भाव में शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं और शनि आपके लिए परम राजयोग कारक माने गए हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि में, तो यहाँ आपके लिए सौभाग्यशाली समय रहेगा। दूसरे नंबर पर जो राशि है जिसको इस समय सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के छठे भाव में सूर्य शनि की युति थी वो नुकसानदायक थी, शनि अस्त थे तो और भी परेशानी थी। यहाँ शनि के उदय होते ही राजनीति में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु वृद्धि हो रही थी उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, खर्चों में कमी आएगी, काम कारोबार अच्छा निकलेगा और संतान सुख की वृद्धि होगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा है, जो लोग राजनीति में है, व्यापारी जगत के लोग हैं, शेयर मार्केट के लोग हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर राशि है कविता जी जिसको इस समय सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के पंचम भाव में शनि अस्त थे तो यहाँ कहीं ना कहीं राजयोग में कुछ कमी आ रही थी। अब शनि के उदय होते ही यहाँ शनिदेव पूर्ण फल देंगे,
शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी व्यवसाय कोई भी काम आप करना चाहते हैं यहाँ आपको पूर्ण फल मिलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, काम कारोबार में बड़ा लाभ मिलेगा, और राजनीति जगत से जुड़े लोगों के लिए, फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी उनके काम कारोबार में बड़ी जबरदस्त वृद्धि होगी और संपूर्ण वर्ष जो है कविता जी इनको विशेष लाभ इसका मिलेगा क्योंकि शनि जो है आप संपूर्ण वर्ष में अस्त नहीं होने वाले। चौथे नंबर पर आप किस राशि को ले रहे हो? चौथे नंबर पर जिस राशि को लेते हैं जिसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है मेरे हिसाब से वो है कविता जी धनु राशि। धनु राशि वालों को देखिए इस समय अष्ट के चलते सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं हर काम में अड़चन रुकावटें आ रही थी, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था, तो अब इनका भाग्य साथ देगा, सभी कार्य बनने लगेंगे, काम कारोबार कला के क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, कानून के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या राइटर हैं, पोएट हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और धन लाभ धन वृद्धि के योग भी बनेंगे। और पांचवी अंतिम राशि? पांचवी राशि है आपकी कुंभ राशि जिसको बड़ी ज्यादा समस्या उड़ती है क्योंकि इनकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, मूल त्रिकोण राशि है ये जी, और लग्न में शनि बैठे हुए हैं साढ़े साते भी और शनि ऊपर से अस्त हो गए थे, तो शनि जो है एक तरीके से पूरी तरीके से कम्बस्ट होकर कोई ना कोई कोई भी काम नहीं बना रहे थे, तो यहाँ आपकी परेशानियां दूर होंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, अब आपका धीरे धीरे बिजनेस भी फ्लरिश करना शुरू होगा, नौकरी परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या नौकरी आपके पास नहीं है तो नौकरी लगने के भी योग बन रहे हैं, सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपकी छवि में भी सुधार होगा। तो ये वो पांच राशियां हैं जिनको बड़ा जबरदस्त लाभ आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आ रहा है शनि देव के उदय होते ही। और इसी के साथ शनि देव के शुभ फलों की तुरंत प्राप्ति के लिए या फिर यूं कहें कि इनको तो होगा ही होगा, और किस प्रकार से शनि को और ये लोग मजबूत बना सकते हैं तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये राशि वाले, खासकर अगर वृषभ राशि है आपकी, तुला राशि है, कन्या राशि है, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, आपको नीलम धारण करना विशेष लाभकारी रहेगा, और अगर आपकी कुंडली में भी शनि मजबूत है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। जब तक शनि कुंभ राशि में है ये राशि वाले नीलम धारण करें बहुत ही अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया विशेष कर जलाएं, वहाँ शनि चालीसा का पाठ करें, शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और साथ ही साथ बादाम, यानी बादाम की गिरी हो गई है, काले तिल, काले चने, काले उड़द, ये शनिवार के दिन दान करें। ओम शन शनेश्वराय नमः इसका 108 बार डेली जाप करें, हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा जी। और शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा करें, जरूरतमंद की सेवा करें, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, काले वस्त्र दें, काला कंबल का दान करें, काली शर्ट काला सूट दान करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, यहाँ शनिदेव प्रसन्न होंगे और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति आपको देंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि मयंक शर्मा जी के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो, हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।